हम शेयर कर अपना, दूं? हाँ शक्ति सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर जी। नहीं, अभी तो इंट्रोडक्शन देंगे आपका हम। ठीक हाँ है, सर स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट अभी तो लोग ज्वाइन नहीं किए, कितने लोग हैं अभी तो है ही नहीं हाँ, इस पर। अरे वो आएंगे, वो लोग थोड़े आपको दिखाई देंगे। नहीं, इस पर कितने लोग ज्वाइन किए वो तो आना चाहिए। नहीं आता है, नहीं वो आता है? ज्वाइन अच्छा, करेंगे, वो आपका कमेंट्स आएगा तब पता चलेगा, ओ और फंक्शन के बाद हम बताएंगे कितने लोग ज्वाइन किए। ओ अच्छा, जी। तो चलिए अभी हम टुडे आई वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द वेबिनार सीरीज व्हिच इज गोइंग ऑन, स्वामी सहजानंद सरस्वती वेबिनार सीरीज ऑन 15th। टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू गोइंग इंट्रोड्यूस ए रिसोर्स पर्सन, प्रोफेसर शक्ति कुमार। प्रोफेसर शक्ति कुमार हिज टॉपिक स्वामी सहजानंद एंड सोशल जस्टिस, ही विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक्स। प्रोफेसर शक्ति कुमार एट प्रेजेंटली प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, चेयरपर्सन ऑफ CESP सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, देर इज वन डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, एंड बॉर्न इन ए विलेज, सो ही नो द ईच एंड एवरी टेक्निक्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, एंड ही ऑल्सो हर्ड द नेम ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती बाय हिज पेरेंट्स। ही जस्ट कंप्लीटेड 10th क्लास फ्रॉम बोकारो स्टील सिटी बोकारो। देयर आफ्टर फॉर द 12th ही ज्वाइन सेंट जेवियर कॉलेज रांची। आफ्टर 12th ही डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दैट इज वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देन आफ्टर ग्रेजुएशन ही शिफ्ट इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड ही डिड पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, एम फिल एंड PhD फ्रॉम द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली इन सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग। प्रोफेसर शक्ति कुमार इज ए रिनाउंस्ड प्रोफेसर एंड हाईली एक्सेप्टेबल एंड फेवरेबल इन एमंग द स्टूडेंट्स, एंड ही ऑलरेडी रिटेन सो मेनी बुक्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर्स, बिकॉज ही कंप्लीटेड PhD इन द फाइनेंशियल सेक्टर्स। सो हिज मेजर 5th बुक्स रिटेन टू अराउंड दिस फाइनेंशियल सेक्टर्स रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। आफ्टर कंप्लीटेड PhD ही ज्वाइंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देर इज ऑल्सो वन प्रेस्टिजियस कॉलेज नोन एज रामजस कॉलेज इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ही वर्क सम टाइम देयर। देयर आफ्टर ही टॉट राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद अयोध्या, एंड ही स्पेंड देयर मोर देन 14 ईयर्स एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर टू एसोसिएट प्रोफेसर। देयर आफ्टर ही प्रेजेंटली वर्किंग इन प्रोफेसर हेड एंड चेयरपर्सन ऑफ सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ही ऑलरेडी रिटेन सो मेनी आर्टिकल्स विच पब्लिश्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल रेपुटेड जर्नल्स। ही सुपरवाइज सो मेनी एम फिल एंड PhD स्टूडेंट्स इन दिस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एंड ही इज वेरी पॉपुलर टीचर्स एमंग द स्टूडेंट्स इन दिस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। सो नाउ टुडे ही विल डिस्कस अबाउट द स्वामी सहजानंद सरस्वती एंड हिज सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस फॉर फार्मर्स, वी मस्ट बी अवेयर दैट फार्मर्स अकॉर्डिंग टू द सहजानंद सरस्वती हु आर बी इन्वॉल्व इन द
एग्रीकल्चर वर्कर्स एलोंग विद मार्जिनल फार्मर्स, बिग फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, इवन लैंडलेस फार्मर्स हु हैव द लीज इन लीज आउट्स लाइक दिस थिंग्स. सो ऑल्स आर बिकमिंग इन वन वर्ड द फार्मर्स. एंड टूडे प्रोफेसर कुमार विल बी डिस्कस डिटेल अबाउट द सोशल जस्टिस फॉर द फार्मर्स. सो नाउ आई वेलकम टू प्रोफेसर शक्ति कुमार. ही विल बी गोइंग टू डिलीवर आवर टूडे lectures on this topic. Welcome, sir, Professor Shakti Kumar. Thank you, sir. Good evening, everybody. Thanks to all of you for giving me an opportunity to speak before you, especially for this house or webinar going on Sahajanand Saraswati ji. I would like to share my screen, and language will be both Hindi and English. As I have been told, here I am sharing my screen. I am proud of being from the Bihar because I have heard about the Sahajanand from my early childhood and read some more books after Dr. Dilip Singh told me about him. So I am proud of being the Bihar. The inhabitant of the Bihar, because Bihar has produced people like Swami Sahajanand ji. So let us share a screen that I have prepared on the topic Swami Sahajanand and social justice. Am I audible, sir? SS audible. And screen is visible? No, screen is not coming. Maybe it will come. Just wait. No, screen is not coming. Screen is not coming. Let me try again. Now, yes. Now go ahead, start. Just develop the full screen. Go ahead. Sir, let us start on talking about the Swami Sahajanand Saraswati ji and social justice. And the topic social justice is limited to the with respect to the peasants. Here I would like to share the how the exploitation of the farmers in India has been started. So I have taken from the Mughal period. During the Mughal period, Mansabdar were responsible for collecting a revenue. Mansab is post, and the officer who was appointed on that post was known as a Mansabdar. During the Mughal period, a tax was imposed, and after paying the taxes, it was said that the farmers were able to get the revenue just one third of the total product value. So during the Mansabdar system or Mughal period, farmers were exploited and there were no formal organization for them who can demand for more revenue and oppose the exploitation. And during the British period, when the Jamindari system and Malwari and Raitwari system was popular,
इवन देन देर वॉज नो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीजेंट्स हु कैन अपोज द एक्सप्लॉयटेशन. During the British period also the tax was very high, and we can conclude that the farmers were getting 1/3 of the total product value. So exploitation could not stop, and it was the period of the Sahajanand Saraswati ji who came for the farmers and organized them, and he opposed the exploitation of the farmers. The time was passing over the period, and that we can say that India became the independent. Even after the independent until the 2020 there was certain law. And India is still today following some laws related to the farmers, and farmers are still unable to get revenue more than 1/3 of the product value. So before 2020, the farmers were able to sell their product in the mandi. And that was before the government officer. So if there are any dispute arises, in that case, farmers were able to go to the court, and contract farming was not so popular. But when the agricultural bill came recently, 2020, something has been changed, and farmers were allowed to sell anywhere. And government official will not be there, so they are not able to move the court. They can go to the SDO, and number of the contract farming will come. So food processing will develop, and by the food processing, there will be quite possibility that farmer will get exploited. So I want to say that since the Mughal period to today. Farmers were not able to get more than 1/3 of the product value. So I can say this is the exploitation of the farmers. So how this exploitation of the farmer can be prevented? So there was the role played by the Sahajanand during that period. Let's talk little about the Sahajanand ji. We can say that Swami Sahajanand ji was a god of peasant. And each point will be discussed later on, and it will be shown in details. So first point is that Sahajanand can be said as a god of peasant, and he fought for justice for downtrodden. He tried to increase the agricultural productivity and gave farmers literature, and he was freedom fighter. So these are the five basic points about the Swami Sahajanand. And all these five points will be later on associated with the social justice with respect to the peasants. So social justice point are that there are three points on which I am going to talk. So first is the democratic socialism, second is the eviction of tenants, and third one is the rural people exploitation. Let's talk in details. Swami Sahajanand may be called as a god of peasant. Why? As we have already discussed that since the Mughal period to the British period, there was not a formal
organizations of the peasant at the national level. Keeping the welfare of the peasants in the mind, Sahajanand formed an organization at the Bihar level that was known as the Bihar Pradesh Kisan Sabha. And later on, he became first president of All India Kisan Sabha. So I can say that he gave a formal and well-known All India level organization, All India Kisan Sabha, at the national level. So he organized the farmers to fight against the exploitation done by the Britishers. And second point is, he enforced Congress to make a special agenda for peasant. Swami Sahajananda earlier was working in the Congress, and he thought that the Congress is not bringing a special agenda for the farmers, and farmers' exploitation is still being continued. So he left the party and organized all organized farmers and enforced the Congress to bring a special agenda for them. And third point is the national peasant leader after Gandhi and Patel. During the period of the 1935-36, Gandhi was too popular, Patel was too popular, and Champaran and Khera Andolan was already done. So the emergence of the Swamiji itself shows that the farmers' organization has been done by a popular and national level leader, that is the Swami Sahajanand Saraswati. So we can say him a god of peasant. Not only this, we know that the Sahajanand ji was not could not able to get the higher education. He done his schooling only up to the class 10th, but he learned by doing. So he developed a rural intellectual view and gave a peasant literature. So Swami Sahajananda was the first person who gave the peasant literature. So I can say him a god of peasant. He opposed bourgeois, landlords, and jamindars, despite being a particular caste that was known as the Bhumihar. People say that Bhumihar is known as the landlord. But farmers were getting exploited by the rich persons and bujurwa were your landlords and the jamindars, and there were livelihood of the farmers was not being improved. So Swami Sahajananji opposed all these bujurwa were landlords and jamindars. Next point is, Swami Sahajanand added this, or who did not separate the peasants' agenda from the national movement. It was a big point. Generally, people try to do it in a separate way. So he said that Rashtra is above other thing. So he did not separate
द पीजेंट्स आंदोलन फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट. So it strengthened the national movement during the period by by Swami Sahajananda. So I can say also that the peasants were the first group of the nation who fought for the nation and they participated in the freedom struggle and they strengthened the national movement. It was a great contribution of Swami Sahajananda who strengthened the national movement through the big participation of the farmers. And perhaps this was the reason he said, "Jo anvast upjayega, ab so kanun banayega, ye Bharat vart usi ka hai." अब शासन वही चलाएगा. बट आई कैन से दैट टिल टूडे फार्मर्स आर नॉट एबल टू कंट्रोल द लेजिस्लेचर. सो वी शुड थिंक ओवर द आइडियाज गिवन बाय स्वामी सहजानंद, according to which farmers should play a greater role in the legislature, controlling the legislature from where their fate can be decided. So on the basis of these points, we can say that the Sahajananda may be called as a god of peasants. किसानों का भगवान उन्हें इसीलिए माना जाता है. और ये किसान पूरे भारत देश में इनकी संख्या काफी है. ये रूरल वर्कर्स की बात करते हैं, नॉट फॉर द ओनली एग्रीकल्चर लेबर बट ऑल्सो द नॉन एग्रीकल्चर लेबर हु शेयर ए मेजर चंक ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. So they should come into the power from where their fate can be decided. Let us talk another point. Justice for downtrodden. Swami Sahajananda said that we should not talk who is the rich, who is the poor. We should talk who are the exploited person. If the other political party working in that period say that the rich farmers are able to sell the agricultural products that were in the surplus, but Swami Sahajananda said that this is not the truth. Even the poor farmer sell the product, but they sell for their subsistence. अपने जीव को उपार्जन के लिए वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बेचते हैं मार्केट में. सो यहाँ रिच और पुअर की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि रूरल प्रोड्यूसर की बात होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ब्रिटिश पीरियड में रूरल प्रोड्यूसर का शोषण हो रहा है. इसीलिए मैं कहता हूं कि स्वामी सहजानंद thought for the justice for downtrodden. The second point is that rural producers are exploited by British. As we have already talked that the farmers were able to get only one third of the total product value. And by the different way these rural producers were exploited. How? They were getting low wages, low standard of the market chain of the products, and no subsidized inputs, agricultural input, and no availability of the formal credit. So rural producers were exploited by the British, especially in the agricultural sector. And third point is that
रूरल प्रोड्यूसर वी आर गिविंग लो वी आर गेटिंग लो वेजेस. दिस इज द रीजन why the surplus laborers were switching over from the rural to urban. When people working in the rural area were given the low wages, they were bound to switch over from rural to urban. Kam mazduri milne ke karan ve gramin and क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर मूव करने चाहते. सो दिस वाज द रीजन बिकॉज एंड ही फाउंड फॉर इट बट देयर विच मस्ट बी इंक्रीज्ड एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड हियर. द नेक्स्ट पॉइंट, सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बोथ बाय प्रोलेटेरियट एंड बूर्जुआ. This is not only the bourgeois work, rich work, landlord who sell the agricultural products. It is true that they sell surplus products for getting extra earning. But proletariat, sarvahara work ke log, surplus anaj ko isliye bechte hain ki unka jeevikopargan ka wahi ekmatra sadhan tha. इसलिए नहीं कि वो आगे इन्वेस्ट कर सके. बुजुर्ग वर्ग इन्वेस्ट कर सकते थे, प्रोलेटेरियट इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बेचते थे. नेक्स्ट पॉइंट, द रूरल प्रोड्यूसर्स आर गेटिंग लो प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. परहैप्स दिस वाज द रीजन व्हाई द रूरल प्रोड्यूसर्स getting only one third of the total product because price of their product was too low. The government was following even the British period that it is the responsibility of the agricultural sector to provide the cheap product, sasta saman बेचना चाहिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं करते. सस्ता मजदूर सप्लाई करना चाहिए नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर को. एंड परहैप्स दिस वाज द रीजन व्हाई रूरल प्रोड्यूसर्स वेर गेटिंग लो प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. अपने जो उपज का मूल्य उन्हें कम दाम पर मिलता था क्योंकि गवर्नमेंट उस पॉलिसी को फॉलो आज भी कर रही है कि ये किसानों की जिम्मेदारी है कि जो किसान नहीं है उनको सस्ते अनाज मिले. जैसे प्याज 5 रुपये वहां की खेती में मिलता है तो हमारे पास आते आते वो 50 रुपये होता है. ये 45 रुपये कहाँ जाते हैं, वो मिडिल मैन के पास जाते हैं. तो शोषण किसका हुआ, प्रोड्यूसर का और कंज्यूमर का भी. जो उत्पादक है उसका भी शोषण हुआ क्योंकि उनका मूल्य कम मिला, कॉस्ट भी सही ढंग से नहीं निकला. और जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता है, उनको भी रो रहे हैं क्योंकि उनको अधिक दाम देना पड़ रहा है. ये 45 रुपये कहाँ जा रहा है, ये भी सोचने की बात है. हम आज सोचते हैं और स्वामी सहजानंद जी ने उसी समय सोच लिया था. यह एक बहुत बड़ी बात है. Next point, the non-agricultural sector failed to provide employment to surplus agricultural labor. As Sajanand has already told that there is a surplus labor in the agriculture sector and it is the responsibility of the non-agricultural sector to absorb them. But non-agricultural sector failed to provide the employment. So we can say that Sahajanand ji fought for justice for downtrodden. We garibon ke liye ladi, we kisanon ke liye ladi, we rural producer ke liye ladi, we garibon ke liye ladi. Chaliye aage point ko hum log dekhte hain. Kaise agricultural productivity ke bare mein humne socha. Krishi utpadakta
इनपुट के तुलना में आउटपुट कितना मिल रहा है, व्हाट इज द स्केल और द प्रोडक्ट वैल्यू. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. स्वामी सहजानंद जी सबसे उसमें ही बोल दिए कि एग्रीकल्चरल सेक्टर शुड बी डिक्लेयर एज एन इंडस्ट्री. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी इसको कहा और अन्य लोगों ने भी बाद में कहा. आज भी लोग सोचते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर शुड बी डिक्लेयर एज इंडस्ट्री, पर स्वामी सहजानंद जी ने उस समय ही कह दिया था कि एग्रीकल्चरल इनपुट सेक्टर should be declared an industry, not the whole agriculture, but the agricultural input should be declared an industry. इससे क्या होता? इससे यह होता है कि जो surplus laborer हैं, जो agriculture sector में काम कर रहे हैं, उनको industry sector में absorb कराया जा सकता था, employment बढ़ाया जा सकता था, जिससे agricultural sector की productivity बढ़ती है. अगला पॉइंट, ही टॉक्ड अबाउट द मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. बाजार में उसे बेच सके जिसका मूल्य अधिक मिल सके, इसलिए उन्होंने फोकस डाला कि किसानों को क्योंकि जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स मिलता है वो सही उचित मूल्य पर मिले और इनको प्रॉफिट अधिक हो और ये मार्केट ओरिएंटेड हो, जो मार्केट जिसे एक्सेप्ट कर रही है उसका उत्पादन होना चाहिए. जिसे हम आज सोच रहे हैं वे उस समय ही सोच लिए थे. शायद इसी कारण है कि 2020 में जाकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज लाए हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या होगा, जो मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट लोग बेचेंगे. एक बहुत बड़ी पॉपुलर इनका स्लोगन है, नारा है उनका, कैसे लोगे माल गुजारी लठ हमारा जिंदाबाद. पहले शुरुआत में मैंने कहा कि किसानों से जो माल गुजारी जो टैक्स ले रहे हैं वह बहुत ज्यादा है और किसानों को जो मुगल पीरियड में 1/3 जो टोटल प्रोडक्ट वैल्यू मिलता था, उत्पादन के कुल वैल्यू का 1/3 किसानों को मुगल पीरियड से आज भी मिलता आ रहा है, क्योंकि उनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सप्लाइटेशन ज्यादा है. और शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि कैसे लोगे माल गुजारी लठ हमारा जिंदाबाद. मतलब कि वे कहते थे कि प्रोडक्ट हमारा है, उत्पादन मैं कर रहा हूं, तो इसको वो करने का पूरा हक है. इसलिए उनको टैक्स कम देना चाहिए. क्यों टैक्स दे कम देना चाहिए? क्योंकि ये उत्पादन कर रहे हैं और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर को फीड कर रहे हैं, चीप लेबर दे रहे हैं, इत्यादि इत्यादि देश के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी माल गुजारी को कम ही नहीं हटा भी देना चाहिए और उनका उन्होंने देने से मना किया. शायद इसलिए चलिए आगे देखते हैं. स्टॉप एक्सट्रैक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस फॉर इंडस्ट्री. उस समय जो भी इंडस्ट्री उद्योग चलते थे उनके लिए ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एज ए इनपुट काम करता था और इसीलिए एग्रीकल्चरल सरप्लस को इंडस्ट्री में भेज दिया जाता था और जिसका परिणाम होता था कि एक तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसानों का शोषण होता था. और इसीलिए उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चरल सरप्लस जो भेजा जा रहा है इंडस्ट्री में उसे कम कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके. एग्रीकल्चरल क्रेडिट. सिंस वी नो दैट द क्रेडिट इज बोथ इनपुट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट जो है जो किसानों को मिलता है वह इनपुट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, क्योंकि किसान उससे बीज भी खरीदते हैं, उसे ट्रैक्टर भी खरीदते हैं. ट्रैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है और बीज इनपुट का काम करता है, जिससे कृषि की उत्पादकता
बढ़ती है, इसलिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट, फॉर्मल एग्रीकल्चरल क्रेडिट वॉज नॉट सो पॉपुलर एज टूडे इज। सो एग्रीकल्चरल क्रेडिट का उन्होंने डिमांड किया कि किसानों का, फार्मर शुड बी गिवन मोर एग्रीकल्चरल क्रेडिट एट द लो इंटरेस्ट रेट। That was the main focus. Even the government is today focusing on that. The farmers should be provided agricultural credit at the low interest rate. So he was in the against of agriculture to provide the cheap food. As हम पहले बात कर चुके, यह कृषि की जिम्मेदारी है. If the government is still today following the model of the industry on the, this assumption that this is the responsibility of the agriculture to provide cheap food, cheap labor, cheap input to non-agriculture sector, शायद हमारी समझ से ये किसानों के शोषण का यह एक बड़ा कारण है से इस मॉडल को चेंज करना पड़ेगा, जो स्वामी सहजानंद जी जी जो वर्षों पहले कह गए, इस मॉडल को चेंज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। यह कृषि की जिम्मेदारी नहीं है कि पूरे भारत वर्ष में लोगों को खाना खिलाए सस्ते में, उनको मुख्य सस्ता लेबर भी प्रोवाइड करे, इनपुट्स भी एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करे, बदले में किसानों को क्या मिल रहा है यह भी सोचना चाहिए। इसलिए किसानों को उचित मजदूरी भी मिलनी चाहिए, फूड भी मिलनी चाहिए, उनके प्रोडक्ट का वैल्यू भी मिलना चाहिए थ्रू इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। सो दोस्तों चलते हैं आगे। स्वामी सहजानंद जी एक पहले व्यक्ति थे उस समय के जिन्होंने किसान साहित्य को दिया, उन्हें बहुत सारी किताबों को लिखा उन्होंने, जैसे खेत मजदूर, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करे, किसान के दोस्त और दुश्मन, किसान आंदोलन क्यों और क्या, किसानों को फंसाने की तैयारियां। कहने का मतलब यह था कि ये जो किसान साहित्य के द्वारा किसानों में जागरूकता लाए और उनसे उनसे ये विनती की गई कि ब्रिटिश के अगेंस्ट आंदोलन को तेज करें ताकि उनका शोषण कम से कम हो, और यह साहित्य ही माध्यम हुआ किसानों की जागरूकता का, उनके अधिकार का, उनके उत्पादन के उचित मूल्य का, उनका आभास दिलाने का। इसलिए किसान साहित्य का अगर कोई जन्मदाता है तो सहजानंद जी है। चलिए आगे देखते हैं। ही वॉज फ्रीडम फाइटर। ये बहुत बड़ी बात है कि भारत देश के फ्रीडम फाइटर्स लोगों के साथ, जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े इन द सेंस की थॉट मोर अबाउट द नेशनल मूवमेंट एंड द नेशन, ही वर्क विथ गांधी, बड़ी बात है। ही वर्क विथ गांधी, वर्क विथ एस.सी. बोस, ही वर्क विथ एन.जी. रंगा, वर्क विद जयप्रकाश नारायण जी, वर्क विद विनु मशानी जी, वर्क विद लोहिया एंड कृपलानी। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कितने लोगों के साथ उन्होंने काम किया। सो आई एम प्राउड ऑफ बीइंग प्राउड ऑफ सहजानंद जी एंड प्राउड ऑफ बीइंग द निवासी ऑफ बिहार। Let us think here, Sahajanand ji was superior than other jail writers. यहाँ तीन लोगों का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, एक नेहरू जी हैं, सहजानंद जी हैं, डांगे जी हैं। जेल में रहते हुए तीन लोगों ने बुक लिखी, नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया दिया, तो डांगे जी ने स्टेलिन फाइव स्टेज दिया, वैदिक आर्यंस दिया एंड ही वाज द कम्युनिस्ट लीडर। बट सहजानंद जी ने किसानों के बारे में सोचा, जेल में रहते हुए उन्होंने लिख दिया एग्रीकल्चर लेबर एंड झारखंड का किसान, अर्थात जेल में रहते हुए भी वो किसानों के बारे में ही सोचते रहते थे। तो यह बहुत बड़ी बात है कि किसान का हित ऐसी अगर कोई हुआ
सहजानंद जी जो है शायद इसीलिए उन्हें किसानों का भगवान कहा जाता है। लेट्स टॉक नाउ द सोशल जस्टिस विथ रिस्पेक्ट टू द पीजेंट्स द पॉइंट्स दैट वी हैव टॉक्ड अर्लियर विल बी एसोसिएटेड विद द with the justice to be brought before the other judges. I have taken these sentences from the preamble. Democratic socialism. So first line is the wealth should be shared equally by the society. Not during the period of the Mughal, nor during the period of the British or not today, wealth are equally shared by the society. But the purpose of the distributive justice is that it should be shared. How in society, how in economics it is said that the marginal utility of the different group of the society should be equal. So, एक रुपए का कीमत एक गरीब के लिए बहुत ज्यादा है और एक रुपए का कीमत एक अमीर के लिए बहुत ही कम है। सो सीमांत उपयोगिता डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी शुड बी इक्वल। सो पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज दैट द सीमांत उपयोगिता बराबर होनी चाहिए समाज में। और स्वामी सहजानंद जी ने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की ओर फोकस डाला, शायद इसीलिए किसानों को आगे कर उन्होंने नेशनल मूवमेंट में भाग लिया, किसानों के हिस्से को बढ़ाने की कोशिश की, उनकी कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की। शायद इसीलिए कहते हैं उन्हें भगवान, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वेजेस के लिए उन्होंने लड़ा, किसानों का अधिक वेज मिलना चाहिए, उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिलना चाहिए। सो एनी हाउ देर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अक्रॉस द ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, बट इट इज नॉट हैपनिंग इवन बीइंग ए लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन इंडिया, इट इज नॉट हैपनिंग इवन टुडे। लेट्स टॉक अगेन, इट हैज बीन सेड दैट wealth should not be concentrated in the hands of few. आज भी जमीन का जो जोत का आकार है लगभग 2 एकड़ है, और 10% ऐसे होंगे जो 90% भूमि पर कब्जा किए हुए। Wealth of the nation has been 95% captured by the 5% of the population of the India, and remaining 95% population are sharing just 5% of the wealth population, wealth of the nation. So it is against the distributive justice even today that the property and wealth of the nation still today has been concentrated into the hands of the few. So democratic justice, democratic socialism cannot be justified even today. But Sahajanand ji fought at that time itself. And the government should regulate the ownership of the land. It's a big point in the preamble. Government should regulate the ownership of the land, but land is still in the private sector. If we compare it with the Sahajanand, with the Dr. Bhimrao Ambedkar, both have said that agricultural sector should be declared as an industry. Sahajanand said that the agricultural sector should be declared as industry, not in the whole, but just as it input. But Dr. Bhimrao Ambedkar said that the whole agricultural sector should be declared as an industry, and land should be owned by the state. But even today, even after the land reform, it has not been done, and government should regulate the ownership of the land. Perhaps this was the reason
why the farmers are being exploited. A large number of the farmers are still landless. So it requires to be regulated, and they should be given ownership. And again, it has been said, industry to reduce socio-economic inequality. Sajan has already said that the peasants should be given more share in the national income, at least they are the product value, bringing the socio-economic equality, so that an inequality should be reduced. Even today, the Gini coefficient of the India is 1.33. It means there is inequality in the society very high. So socio-economic inequality should be reduced. So democratic socialism has not been ensured in India. That was thought earlier to bring the democratic socialism in the country and bring the equality in the distribution to the distributive justice. That was thought earlier by the Sajjanan, and it has not been brought before the country as a whole in practice. So there should be pragmatic approach in India to bring the democratic socialism, and there are the different way through distributive justice, reducing the concentration of wealth in the hands of the few, and government should regulate the ownership of land. Not only then, industry is also concentrating in the hands of the few, and that's why they are exploiting a planning number of the workers, non-agricultural workers. They are being exploited by them. So socio-economic inequality needs to be reduced, and this is the responsibility of the not only the farmers but the being a citizen and of the India. This is the administrative duty of our also to think over it, to fight for it, to bring the socio-economic equality in the society, so the democratic socialism can be strengthened in the India. Let us talk another point. Sahajanand ji, social justice ke liye lade. Now we have to think why rural people are getting exploited. Why people are exploited? Gramin chetra ke garib logon ka shoshan kyon hota hai? Sahajanand ji to usi samay kaha gaye the. Because the extraction of surplus from the agriculture. Gaon mein jo upaj ho rahi hai, iska jo surplus ho raha hai, woh gramin area se badh karke non-agricultural sector mein chala ja raha hai, chahe woh चिप फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये कौन से नियम है पूरे भारत देश में आज भी फॉलो कर रहे हैं कि ये किसान या कृषि क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि नॉन कृषि क्षेत्र को सस्ते अनाज दे, सस्ता मजदूर दे, और इतना ही नहीं उद्योग के लिए सस्ता इनपुट्स दे. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीकल्चर सेक्टर इस मॉडल पर पूरे भारत आज भी काम कर रहा है. सो वी हैव टू थिंक फॉर इट to stop the exploitation of the rural poor people, and it was done quite earlier. It was thought quite earlier by this Sajjanan. So we should be proud of it. And the second point is the paying taxes even by selling grasses. As I have already told that the farmers are getting exploited since the beginning, since the period of the Mughal period, British period, and even after the independence and the British, even the during the period of the British and the Mughal, farmers will so force that they should pay taxes even by selling grasses. And perhaps this was the biggest loss for the farmer and biggest sources of the exploitation. So that should be stopped. So I was talking about the last point. It is the model followed by India, that state-guided industrial development model. It is known as a state-guided industrial development model. Says that the role of the agriculture is to provide cheap food inputs to industry and cheap labor to the non-agriculture sector. तो इस मॉडल को भारत में सहजानंद जी ने बहुत पहले बोल दिया. बहुत बड़ी बात है,
state guided industrial development model is still working, and this is the basic point of the exploitation of the rural people. So चलिए आगे की point हम लोग देखते हैं. Stop eviction of the tenants. Stop eviction of tenants. खेत में जो काम करते थे, जो रेहन पर लेते थे गांव में लोग, हम लोग आज भी कहते हैं कि रेहन पर खेती करेंगे, बटाइया पर काम करेंगे, उन लोगों को जो टीनेंट्स होते थे उनको एविक्ट कर देते थे, खासकर कर लैंडलॉर्ड या अन्य रिच फार्मर्स. एंड देर वॉज अ सिस्टम ऑफ सनसेट लॉ. व्हाट इज द सनसेट लॉ? सनसेट लॉ शोज दैट इफ ए पर्टिकुलर जमींदार इज अनेबल टू प्रोवाइड द डिसाइडेड पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, देन दैट लैंड वाज सोल्ड टू द अदर. सो दैट वाज द सनसेट लैंड, एंड सिमिलरली इट वाज फॉलोड एट दैट टाइम. सो स्वामी सहजानंद स्टार्टेड कास्ट मूवमेंट टू स्टॉप द एविक्शन ऑफ द टेनेंट, शो दैट देयर अर्निंग मस्ट बी कंटिन्यूड. ये बड़ी बात थी उस समय भी कि टेनेंट्स की सुरक्षा के लिए, टेनेंट्स के लिविंग स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए एविक्शन ऑफ द टेनेंट वाज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम. एज टेनेंट्स वर एविक्टेड बाय जमींदार. सो इट वाज द एफर्ट ऑफ द सहजानंद बाय विच द बिहार टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन 1938 टू स्टॉप एविक्शन ऑफ टेनेंट फ्रॉम द कल्टीवेटिंग. So all these facts show that Sahajanand fought for social justice for the peasants. He thought well in advance what is going in the agriculture and how the exploitation in the near future will take place. So he had anticipated all these points. So we should be proud of the Sahajanand. कुछ आर्टिकल्स हमारे पब्लिश हुए थे रिसेंट रिसेंट में आफ्टर द कोरोना पीरियड. सो आई हैव रिटन हियर, मजदूरों के बिना अर्थव्यवस्था कैसे संभालेंगे राज्य. सो कुछ राज्य इधर थे उधर थे, राज्य ध्यान नहीं दे रहे थे उनके वेलफेयर के लिए. उसी पर मैंने लिखा था उनके शारीरिक जो योगदान से ही अर्थव्यवस्था में रोजगार और उत्पादन संभव है. It was the great contribution of the laborer by which the agricultural productivity not only but the non-agricultural productivity can be enhanced. So it is the duty of the state, duty of the country to think for the agricultural, think for the laborer. Sharmik arthvyavastha ke reed hote hain, isliye is reed ko bachana hoga, otherwise arthvyavastha collapse ho jayega. इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल दिया था, कमजोर तबके की महती भूमिका. उस समय आज के दिन में भी जो जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, कोरोना के पीरियड में एक जगह से दूसरे जगह परेशान होते चले गए, उन पर ध्यान उतना नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था, उनके क्रय शक्ति को बढ़ाना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ. इस पर यह आर्टिकल लिखा गया था, इसलिए मजदूरों के बिना हमारा अर्थव्यवस्था अधूरा है, हम अधूरे हैं. उनकी समस्याओं के बारे में बहुत पहले स्वामी सहजानंद जी ने सोच रखा था, उस थॉट दिया था. अब मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं. जय हिंद. थैंक यू प्रोफेसर शक्ति कुमार. यू आर वेरी स्कॉलरली एक्सप्लेन द थॉट्स ऑफ स्वामी सहजानंद रिलेटेड टू द एग्रेरियन सेक्टर्स. Even you started from the Mughal period, British periods to the modern scenarios and modern agriculture bill which had passed by latest government of India. So you already discussed about that the Sahajanand Saraswati explained the low wages, low cost of agriculture productivity, shifting labor to the agriculture and industrial non-farm sectors. Basically, you also must be try to read. There is one very good lecture. It is available in Hindi and English also. Cane Grower Conference
1949, the speech of Swami Sahajanand as a presidential address. He already mentioned that the farmers shall not be fully responsible to who provide the sugar cane to the sugar industry, because farmer is not taking the tenders. Similarly, you already discussed about the demand supply, market surplus, marginal utility, equal distributions, whatever have the concept of Swami Sahajanand Saraswati, you very practically and simple languages to explain among us. So we are thanks for this. Now, Professor Kumar, some queries and questions also comes by friends who are be participating in the audience. So Professor Kuresh Prasad Sharma, he was professor of political science, retired from Hazaribagh University. He raised the questions. Do you think that even under dictatorship of China, their attitude with peasants and laborers comes under social justice? He is raising the issue. So just to clarify the issue, then again questions I will say. Please, Dr. Kumar. We have already, we are focusing on the democratic socialism and distributive justice, and distributive justice under the democratic socialism cannot be brought by the dictatorship. So I think China cannot bring it among the peasant and laborers and social justice. Labor law in China, everyone is related with China. He is also asking that what is the positions of labor law in China regarding this matter? China is still focusing on the maximization of their revenue through the corporatization, but it is through that there is the communist law. But for the labor, or having the large number of the cheap labor that is available there also, but not able to bring the distributive justice. So China does not bear a good position in the labor law that is favorable, and that will bring a distributive justice, and that I talked, and that the as the Sahajanandji has talked, for, especially for the farmers, and they are not thinking for that, but they are thinking for the industrial product and the cheap products, not the qualitative, but just a cheap product that can be sold in the market. Thank you, sir. Okay, now there is one scientist, Nandili Ranjan. He is a scientist, principal scientist. Maybe you know. Let us take an example for the onion. So he is asking, how can we say that farmers are paying 1/3 as tax during present time? Because you already explained that during Muslim times, the farmers are be paying 1/3 only. In British times also saying 1/3 only. So the Professor Nalini Ranjan Kumar is asking that still today the farmers are not be getting 1/3. How they are be getting 1/3 of the profit of the agriculture output? This is big questions. So I hope that Professor Kumar will explain these things. I didn't say that farmers are paying 1/3 as the tax. I said that farmers are getting 1/3 of their product value, and it is happening since Mughal period. So during the Mughal period, farmers were getting just 1/3 of their product value. Let us take an example. Pyaaz ko kisan 5 rupaye
खेतों में भी में बेच देते हैं, बिचौलिया वहां से खरीद लेते हैं कुछ और नहीं। मार्केट में आते आते कंज्यूमर को बकरा 50 रुपए में मिलता है, तो 50 50 रुपए का उन्हें अगर अगर किसानों को 5 रुपए मिला तो वन टेंथ हो गया। सो आई एम सेइंग दैट दे आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड एंड दे आर गेटिंग नॉट मोर देन 1/3 ऑफ दैट प्रोडक्ट वैल्यू। थैंक यू प्रोफेसर कुमार, यू विल ए वेरी स्कॉलरली रिप्लाई द क्वेश्चंस आंसर्स। सो नाउ अगेन प्रोफेसर कुरेश प्रसाद शर्मा आस्किंग, प्लीज इम्फेसाइज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पिजन्स टुडे इन दिस कंट्री। As generally said that the farmers take the loan, they live in under they live under the credit and die also in that way. कर्ज में ही जन्म लेते हैं, कर्ज में ही रहते हैं, कर्ज में ही मर जाते हैं, यही किसानों की दशा है। अगर प्रोडक्ट का 1/3 उन्हें मिलेगा तब तो भगवान ही बचाने वाले हैं। सो देयर पोजिशन इज वेरी वेरी बैड एंड पिथियबल। थैंक यू सर। सो नाउ वी हैव द सो मेनी क्वेश्चंस, बट नाउ टाइम इज गोइंग टू मोर और लेस ओवर, बट आई वांट टू से समथिंग्स दैट यू जस्ट कंपैरिजन द नेहरू एंड सहजानंद द राइटिंग्स इन द जेल। यू मे बी अवेयर दैट स्वामी सहजानंद सरस्वती हैड रिटेन eight books in the Hajaribagh jail, and that book was, you already mentioned only two books, that the Khet Mazdoor and Jharkhand Ke Kisan, and a scholarly Walter Hauser has translated it and published in 1994. So that time it was the manuscript. Then Gita Hirday, it was more than 784 85 pages. Kisan kya kare, kisan kaise ladte hain, like this thing. So Sahajanand Saraswati had written these eight books during the jail periods. Now we must be try to know that because you are the expertise of the finance, so we must be try to explain the credit system, the agriculture credit system, what is scenario the today and what was on that time, because you must be know that that time the farmers and agriculture workers were exploited by the zamindars and money lender, private money lenders, like these things. And you are expertise of in these things. Same scenario today is also coming on. As per the 2016-17 NABARD report, already explained that around 40% of the rural households are still used to institutional source of the credit. So please explain detail. We want to know, and what will be the solutions? Because you know the day to day, the banking system is going to develop in this country, but still the farmers and rural sectors are the same stage. So please explain this one. There are two sources of the credit, formal and informal. So we should think over the effective cost of the credit. Which source of the credit is able to provide the credit to the farmers at the cheapest cost? So my analysis show that the effective cost of the credit of the formal sector is more than that of the informal sector. So it spreads for a stationer. They go to the bank number of the time from village to the district headquarters, and they need a stationery or number of time they have to oppose to the officers. So if you add all things in with the interest rate and transportation cost and the social cost, so if all you add, that will be much higher. So effective cost of the cost of formal credit is more than that of the informal. So if farmers borrow credit from either of the sources, formal or informal, they should be given agricultural credit on the basis, not on the basis of, not of collateral based,
बट दे शुड बी प्रोवाइडेड क्रेडिट ऑन द नीड बेस्ड, जरूरत के अनुसार किसानों को क्रेडिट देना चाहिए बैंक के द्वारा, न कि कोलैटरल के आधार पर. बैंक इवन टुडे बैंक प्रोवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कोलैटरल एंड इट्स ट्रू दैट दे आर एग्जेम्प्टेड क्रेडिट, माफ या राइट ऑफ कर दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो गुड. एंड क्रेडिट के मामले में उन्हें सब्सिडाइज्ड क्रेडिट भी मिलना मिलता भी है, आज के दिन में भी मिलता है. सो इनपुट क्रेडिट शुड बी प्रोवाइडेड एट द चीप रेट, टेकिंग द केयर ऑफ द इफेक्टिव कॉस्ट, एंड गवर्नमेंट शुड टेक इट्स डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग चीप फूड टू नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर. They are providing cheap labor to the non-agriculture sector, and they are providing inputs to the industry. So I think either of the credit you give it, it should be not based on the credit. It should be based on the need. Need-based credit should be given. Thank you, Professor Kumar. Very scholarly, you are very played the entire questions answers. Now I would like to clarify two things. You must be remember, because you mentioned that the Swami Sahajananda work with Nehru, J.P. Lohia, Ranga, and other that time freedom fighters and agrarian leaders. I would like to draw your attention about these things, that Sahajananda was the chairpersons and they people worked as a co-persons. He not worked with, the people worked with Swami Sahajananda Saraswati, because he was the founder of the Bihar Provincial Kisan Sabha. He was the founder of the All India Kisan Sabha. He was the president. So he was that time leading theirs. So the people are be going to follow up instructions, what by instructions by the Swami Sahajananda Saraswati. Second thing, I also like to draw your attention. You must be try to visit Bihta Sitaram Ashram, which was the headquarter and University of the Farmers that time during Sahajananda Saraswati, and Sahajananda Saraswati was the chancellor of the Sitaram Ashram. Now it is going to be renovated by the Dr. Satyajit Sin, owner of the rural hospital, and he is the secretary of this organization, and he tried to develop and promote and restructures in the modern way, modern concept. Third things, Professor Kumar, you mentioned किसानों के भगवान स्वामी सहजानंद सरस्वती थे. दैट्स राइट, फार्मर्स जो थे वो मानते थे, खेतिहर मजदूर मानते थे कि सहजानंद सरस्वती हमारे भगवान हैं. लेकिन यू मस्ट बी नो दैट सहजानंद सरस्वती भी कहते थे मेरे भगवान तो किसान ही है, बिकॉज ही मूव द ऑल ओवर इंडिया इवन कश्मीर टू कन्याकुमारी बाई फूट इन सर्च ऑफ द गॉड, बट ही नॉट बी फाइंड एनी हुयर. हुयर इज द गॉड? Where is the God? How can he find it, the gods? So when he worked among the farmers, among the agriculture workers, then that time he noticed that actual Bhagwan jo hai wo hamare kisan hai. To Sahajananda Saraswati bhi apne kisano ko Bhagwan mante hai. Inhone yahan tak kaha ki jadi Bhagwan bhi bhuka rah jayenge, jadi kisan dwara utpadit anaj ka puja, bhagobhog, bhandara jo lagte hai mandir mein, गुरुद्वारों में, ठाकुरवारियों में, वह किसानों द्वारा ही उत्पादित अनाज का भोग लगता है, तो किसान भी भूखे रह जाएंगे, इसलिए उन्हें उन्हें किसान माना है. तो चलिए, बहुत बहुत मेनी मेनी थैंक्स टू प्रोफेसर शक्ति कुमार, ही स्कॉलरली स्पेयर्ड द टाइम्स, एंड नाउ गोइंग टू एक्सप्रेस माई सिंसियर थैंक्स टू द ऑल पार्टिसिपेंट्स हु आर बी कमिंग हियर, हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वेबिनार सीरीज, स्पेशली प्रोफेसर कुरेश प्रसाद शर्मा, Professor Nalini Ranjan Kumar, and so many my friends, Kailash Jha, even Mr. Pradhan, Gopal Rai Ji, and around more than 200 and above people are be participating in this webinars. So I express my sincere thank to the all participants who are be especially in this webinars. So last but not least, I express my sincere thank to the Sujan Sandarbh, who is going to such types of quality lectures related to the Swami Sahajananda Saraswati. And we feel proud that this Professor Shakti Kumar
एज अमंग अस एंड डिलीवर द लेक्चर. सो आई ऑल्सो एक्सप्रेस माई सिंसियर थैंक टू प्रोफेसर कुमार, प्रोफेसर सृजन संदर्भ एंड द कोऑर्डिनेटर ऑफ द सृजन संदर्भ वेंकटेश शर्मा इज नो विथ अस, मे बी ही इज बिजी सम पर्सनल वर्क. सो आई ऑल्सो एक्सप्रेस the thoughts of Sri Venkatesh Sharma ji, his friends Gopal Prasad from Bokaro, and lastly Rohit Kumar. He is providing us the technical assistance in each and every hours. Even I call often odd times, he very smilingly accept our request whatsoever I am suggesting to betterment of the Srijan Samaj. So I also express my thanks to the Rohit and all, because I not be possible to explain the name of each and every person. But lastly, express my sincere thank to the all participants in this webinar series number 10th. Now I am going to announce the next seminar, Swami Sahajanand webinar series 16 will be conducted on the 22nd of the November. And that time, Professor Paramanand Sin, he retired from Bhagalpur University, Professor, Head and Chairperson in the Gandhian Study, will be our speakers. So just I request to the all participants who is participating in this webinar, so join on that day also. इसी के साथ मैं आज की इस वेबिनार श्रृंखला की समाप्ति की घोषणा करता हूँ. पुनः सभी आप लोगों को मेरे तरफ से सृजन संदर्भ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद भाई शक्ति कुमार जी. नमस्कार.